एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो पहले वाली वीडियो क्लियर कर ली हो तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। ये कह रहा है प्रूव करो 3 sin inverse x = sin inverse 3x - 4x³। ये है आपका। तो RHS आप उठाएंगे यहाँ से, साइन इनवर्स 3x - 4x³। बच्चे आराम से देखो, √a² + x² √a² - x² और रूट में x² - a² का केस हो तो वो टेंथ की ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग प्लेस किया जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर उन तीनों में से नहीं है तो फिर आपको जो प्लेसमेंट करना है वो जो इनवर्स एंगल बाहर है उसी थीटा का करना है। तो पुट कर दें आप x = sin थीटा। जैसे ही आप इसमें x = sin थीटा रखेंगे तो ये 3 sin थीटा - 4 sin³ थीटा हो जाएगा। और अभी आपको बताया था पिछली वीडियो में ये फॉर्मूला होता है किसका, sin 3 थीटा का। याद कर लेना, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या बचा 3 थीटा। और यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू, जब एक्स जो है वो साइन थीटा है तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो दूसरा देख लें, दोनों सेम है ही। 3 cos inverse x = प्रूव करना है cos inverse 4x³ - 3x। ये RHS उठाएं आप, cos inverse 4x³ - 3x। इसमें आप पुट कर दें x = cos थीटा, क्योंकि इनवर्स बाहर है cos, तो वही थीटा आपने प्लेस करना है जो इनवर्स बाहर हो। तो ये हो जाएगा cos inverse 4 cos³θ - 3 cos θ। और जैसे ये वाला sin 3 θ का फॉर्मूला था, ऐसे ये वाला किसका फॉर्मूला है, cos 3 θ का। तो ये 3 θ बचा, क्योंकि cos inverse का मतलब होता है 1/cos, उससे cos कैंसिल हो गया। और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos inverse x, क्योंकि इस बार आपने x = क्या रखा था, cos θ, तो θ = क्या आ जाएगा, cos inverse x। थर्ड बेटा, थर्ड है आपका 10 inverse 2/11 + 10 inverse 7/24 = प्रूव करना है 10 inverse 1/2। LHS उठाया आपने, 10 inverse 2/11 + 10 inverse 7/24। एक फॉर्मूला भी बताया था पिछली वीडियो में, 10 inverse a + 10 inverse b। क्या होता है बच्चे, 10 inverse a + b / 1 - ab। तो इसमें से अप्लाई कर दें, a के प्लेस पे क्या है इसमें 2/11 और b के प्लेस पे क्या है 7/24। तो हो जाएगा 10 inverse a + b / 1 - a × b। जब आप LCM लेंगे ये सोल्व करके आ जाएगा 10 inverse 125/250 और ये आपका आ जाएगा 10 inverse 1/2। खत्म। फोर्थ क्वेश्चन ये है बच्चे, 2 10 inverse 1/2 + 10 inverse 1/7 = 10 inverse 31/70। LHS उठाया आपने, 2 10 inverse 1/2 + 10 inverse 1/7। इसे ध्यान से देखो, 2 10 inverse a का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 10 inverse 2a / 1 - a² पिछली वीडियो दोबारा देख लो, वो सारे फॉर्मूले कॉपी पे लिख लो बेटा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। 10 inverse 2a / 1 - a² + 10 inverse 1/7, ये कैंसिल, 10 inverse। ज़रा ध्यान देना, 4 - 1 = 3 हो गया, 4 ऊपर चला गया, 4/3 प्लस 10 inverse 1/7। अब ये 10 inverse a + 10 inverse b का दोबारा वही वाला फॉर्मूला, 10 inverse a + b / 1 - a × b। 10 inverse 16 हो के आ जाएगा 31/17। ख़त्म हो गया क्वेश्चन।
कोई दिक्कत इस चैप्टर में आपको आनी नहीं चाहिए, आप आराम से वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं कॉल कर दूँगा आपको। फिफ्थ वाला सिंप्लीफिकेशन आ गया बेटा, टेन इनवर्स, इसे सिंप्लीफाई करना है। देखो ध्यान से, रूट का केस है और रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है, रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है। ध्यान से देखो, रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो जब रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म हो तो आपको बताया था पुट करना है एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, क्योंकि ए इसमें ए स्क्वायर का मतलब है वन का स्क्वायर, क्योंकि ए इसमें वन ही है, तो ए टेन थीटा की जगह आप खाली टेन थीटा रख देंगे, क्योंकि ए की वैल्यू तो वन है। इसमें पुट कर दिया आपने एक्स इक्वल टू टेन थीटा, टेन इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा, ये आ गया टेन इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा आ गया। देखिए ध्यान से, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा, जब उसे रूट के बाहर निकालेंगे तो सेक थीटा रह जाएगा। अब हमने टेंथ किया है और टेंथ में ये बताया गया था कि साइन कोस में चेंज कर दो ट्रिग्नोमेट्री को, वन माइनस कोस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये आपका आ गया टेन इनवर्स। ऊपर एलसीएम लोगे तो कोस थीटा एलसीएम आएगा, तो वन माइनस कोस थीटा तो अपर पार्ट पे आ गया, लोअर पार्ट पे आ गया साइन थीटा। बच्चे आपको बताया था कि मैथ्स में कहीं भी वन माइनस कोस थीटा नजर आए, पिछली वीडियो देख लें आप, दो चार मिनट किए हुए, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिखेंगे वन माइनस कोस थीटा को, वन माइनस कोस थीटा या वन प्लस कोस थीटा जहाँ भी नज़र आ जाए आप तुरंत तोड़ दें। अब साइन थीटा का जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है वो होता है टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, इसलिए थोड़ा क्योंकि ऊपर वाला हाफ एंगल हो गया तो नीचे वाला भी हाफ एंगल करना पड़ेगा। टू से टू गया, साइन से साइन गया, तो ये बचा टेन इनवर्स साइन थीटा बाई टू अपॉन कोस थीटा बाई टू, क्या होता है टेन थीटा बाई टू, तो इनवर्स से टेन गया तो क्या बचा थीटा बाई टू। और ज़रा यहाँ देखिए आपने x इक्वल टू क्या पुट कर रखा है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x। दोबारा देखो इसे बच्चे, ये वाली फॉर्म आपको क्वेश्चन में दी गई है, इसे सोल्व करना है। अब आपको बहुत चैप्टर फिफ्थ चैप्टर सिक्स चैप्टर सेवन में भी आएगा इस तरह के सिंप्लीफिकेशन, जब आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मस्ट चैप्टर है आपके लिए। x इक्वल टू आपने टेन थीटा प्लेस किया, कहाँ से पता चला कि आपको x इक्वल टू टेन थीटा रखना है? बच्चे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का केस होता है, तो x इक्वल टू ए टेन थीटा रखना है, क्योंकि ए स्क्वायर की जगह वन का स्क्वायर है, तो खाली टेन थीटा रख दिया। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होता है सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा, तो आ गया टेन इनवर्स वन अपॉन कोस थीटा माइनस वन, और ये हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो आ गया टेन इनवर्स वन माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लेने के बाद कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस कोस थीटा जब भी आपको दिखाई दे मैथ्स में तुरंत इसकी जगह लिखो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, क्योंकि ऊपर वाला हाफ एंगल में चला गया, इसलिए साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, टू से टू कैंसिल, साइन थीटा बाई टू अपॉन कोस थीटा बाई टू मतलब टेन थीटा बाई टू, तो बेटा ये आपका आ गया थीटा बाई टू, तो हाफ टेन इनवर्स एक्स सिंप्लीफाई हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के केस में पढ़ के देखो, पिछली वीडियो में आपको बताया था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए एस में वन, तो आपको पुट करना है एक्स इक्वल टू ए कोसेक थीटा या सेक थीटा, तो कोसेक थीटा आपने प्लेस कर दिया, सेक थीटा रख देंगे तो भी कोई आपत्ति नहीं आएगी। टेन इनवर्स वन अपॉन ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, टेन इनवर्स कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है बेटा कोट स्क्वायर थीटा, वन अपॉन कोट स्क्वायर थीटा रूट में है तो वन अपॉन कोट थीटा बच जाएगा, क्लियर है? और वन अपॉन कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, टेन थीटा, तो टेन इनवर्स टेन थीटा आ गया और थीटा बचा। यहाँ से देखो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स का मतलब होता है वन अपॉन कोसेक। सेवन्थ बच्चे, ये है टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कोसेक्स अपॉन वन प्लस कोसेक्स, आपको बताया था देखते ही तोड़ दें, वन माइनस कोसेक्स का मतलब हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और वन प्लस कोसेक्स का मतलब हो जाएगा टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। टू से टू गया, टेन इनवर्स ये हो गया अंडर रूट में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो ये टेन इनवर्स क्या बचेगा टेन एक्स बाई टू, और टेन इनवर्स से टेन गया तो क्या बचा एक्स बाई टू, आंसर खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर एट,
टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स ही है। बच्चे ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार परेशान करेगा। जब भी टेन इनवर्स बाहर हो, अंदर साइन और कोस एडिशन और सब्सट्रैक्शन की फॉर्म में, ऊपर चाहे प्लस हो नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, जब भी टेन इनवर्स बाहर हो, साइन और कोस एडिशन और सब्सट्रैक्शन की फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमेटर में हो, तो नीचे जो कोस की कंप्लीट टर्म है उससे डिवाइड कर देंगे। देखें नीचे कोस की कंप्लीट टर्म क्या है, कोस एक्स। तो डिवाइडिंग बाई, अभी बता रहा हूँ क्यों करेंगे ऐसा, डिवाइडिंग बाई कोस एक्स, तो टेन इनवर्स वन, जब कोस एक्स से डिवाइड करेंगे, साइन एक्स को कोस एक्स से डिवाइड करेंगे टेन एक्स, कोस एक्स को कोस एक्स से डिवाइड करेंगे वन, साइन एक्स को कोस एक्स से डिवाइड करेंगे टेन एक्स। दोबारा सुनो, पहले सुनो करना क्या, जब भी टेन इनवर्स या बाहर हो, अंदर साइन और कोस एडिशन और सब्सट्रैक्शन की फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमेटर में हो, तो नीचे जो कोस की कंप्लीट टर्म है, नीचे जो कोस की कंप्लीट टर्म है उससे आप डिवाइड करेंगे। अब कंप्लीट टर्म से मतलब क्या है, दो पेज आगे बुक पलटोगे तो लेफ्ट पेज पे एग्जांपल 12 मिलेगा, उसमें ध्यान से देखना, बाहर टेन इनवर्स दिया हुआ है, नीचे बी कोस एक्स है, यहाँ पे बी कोस एक्स, तो आपको डिवाइड करना है बी कोस एक्स से, नीचे जो कोस की कंप्लीट टर्म है उससे डिवाइड करना है। अब ये सुनो कि ऐसा क्यों करना है, बच्चे हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का, ये होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी, और एक हमने पढ़ा था टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का, ये होता है आपका टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी। दोबारा सुनो, अब कंप्लीट करते हैं ये वाली बात, जब भी टेन इनवर्स बाहर हो, अंदर साइन और कोस एडिशन और सब्सट्रैक्शन की फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमेटर में हो, तो नीचे जो कोस की कंप्लीट टर्म है उससे डिवाइड करना है। जैसे इसमें कोस की कंप्लीट टर्म खाली कोस एक्स है, एग्जाम्पल 12 में कोस की कंप्लीट टर्म बी कोस एक्स है। अब ये बात हुई डिवाइड किससे करना है, अब क्यों करना है, बच्चे ध्यान से देखो क्यों करना है, क्योंकि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी बना लें आप, या टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी बना लें, दोनों में यहाँ पर वन की कंपलसेशन है, चाहे ए और बी कुछ भी हो, तो यहाँ वन आपको लेके आना है। अब देखो इसे क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स वन माइनस टेन एक्स, इसे लिख रहा हूँ मैं दोबारा, अपॉन वन प्लस वन इंटू टेन एक्स। अगर मैं यहाँ वन लगा दूँ तो कोई आफत नहीं आएगी। इससे क्या हुआ देखो, अगर इसे ए फॉर एप्पल और इसे बी फॉर बॉल पढ़ें तो पढ़ के देखना है क्या लिख रहा है, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी, तो ये फॉर्मूला बन गया ये वाला, तो इसे हम लिख देंगे टेन इनवर्स ए माइनस टेन, ये वाला नीचे वाला, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, ए की जगह क्या था आपका वन और बी की जगह क्या था टेन एक्स, टेन इनवर्स ए, ए की जगह क्या था वन और बी की जगह क्या था टेन एक्स, तो टेन इनवर्स वन के मतलब क्या होता है पाई बाई फोर, और टेन इनवर्स से टेन क्या क्या बचा एक्स, आंसर आ गया पाई बाई फोर माइनस एक्स। थोड़ा सा डाउट सा रह रहा हो, एक बार एग्जांपल 12 में बुक में दिखाता हूँ, यहाँ देखो, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट, ये देखो ये दिया हुआ है नीचे बी कोस एक्स, इसने बी कोस एक्स से डिवाइड किया, ए कोस एक्स को बी कोस एक्स से डिवाइड करोगे तो कोस एक्स कैंसिल होके ए अपॉन बी बचेगा, बी साइन एक्स को बी कोस एक्स से डिवाइड करोगे बी से बी कैंसिल होके खाली टेन एक्स बचेगा, ऐसे ही बी कोस एक्स को बी कोस एक्स से डिवाइड करोगे तो यहाँ तो वन ही आ जाएगा, और ये ए अपॉन बी टेन एक्स। अब देखो सिचुएशन ये आई, ये है सिचुएशन, इसे ध्यान से देखो, ये आ रहा है टेन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस ए अपॉन बी टेन एक्स, तो आप क्या करें इसमें a अपॉन बी को a पढ़ें और tan x को b, तो ये लिख रहा है tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी, अब आपको समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बच्चे पुट कर देंगे, डायरेक्टली लिख रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो पुट कर दो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, नोट्स बना लिया करो वीडियो देख के, ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह जब ए साइन थीटा रखेंगे तो एक्स स्क्वायर है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये टेन इनवर्स
ए साइन थीटा, अपॉन नीचे से ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो हो गया टेन इनवर्स, अपर पार्ट हो गया ए साइन थीटा, लोअर पार्ट में ए बाहर आ जाएगा कोस थीटा, इससे ये गया तो ये आ गया टेन इनवर्स टेन थीटा, तो हो गया आपका थीटा। क्लियर है बच्चे? और थीटा की वैल्यू यहाँ से देखो, यहाँ से एक्स अपॉन ए तो हो जाएगा, देखो ध्यान से, एक्स अपॉन ए तो हो जाएगा साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ध्यान से पढ़ लें आज। टेन इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए की क्यूब माइनस 3ax² ये बच्चे, अंडर रूट वाला तो कोई सा भी केस नहीं है, तो फिर आपको बताया था जो भी इनवर्स बाहर है वो थीटा पुट कर दो, टेन इनवर्स बाहर है तो पुट कर दो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, क्योंकि इसमें ए दिया हुआ है। ध्यान से देखना जरा, एक लाइन का क्वेश्चन है, एक्स की जगह ए टेन थीटा यहाँ रखेंगे तो ए स्क्वायर तो पहले से ही है, तो ए क्यूब हो जाएगा टेन थीटा, जब एक्स की जगह ए टेन थीटा रखेंगे तो ए क्यूब टेन क्यूब थीटा हो जाएगा, जब एक्स की जगह, ये तो ए क्यूब है, इस एक्स की जगह ए टेन थीटा रखेंगे तो ए स्क्वायर यहाँ से आएगा, ए ये है तो ए क्यूब हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो अपर पार्ट और लोअर पार्ट से कुछ कॉमन आ रहा होगा, ए क्यूब कॉमन है, ए क्यूब कॉमन ले लिया ऊपर से, 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, नीचे से भी ए क्यूब कॉमन लिया तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, अपर और लोअर पार्ट से ए क्यूब जो कॉमन आया था वो कैंसिल हो गया, तो टेन इनवर्स ये आ गया आपका टेन 3 थीटा, तो ये आपका बचा 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है, 3, यहाँ से देखो टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बस यहीं तक का वर्क आज आप कंप्लीट करें, बाकी कल आपको इसी टाइम वीडियो मिलेगी।